हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबू एमजे ब्लॉग्स। आज के इस वीडियो में हम लोग निसान मैग्नाइट के टॉप 6 एक्सीडेंट के बारे में बात करने वाले। हम लोग आपको दिखाएंगे कि निसान मैग्नाइट के टॉप 6 क्रैशेज कौन से। जैसा कि आप सभी जानते हो कि निसान मैग्नाइट को एशियन एनसीएपी में टेस्ट किया गया है और गाड़ी एशियन एनसीएपी में 4-स्टार रेटिंग लेकर आई है। और इन सभी एक्सीडेंट को देखने के बाद आपको लगेगा कि निसान मैग्नाइट वास्तव में एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी है। और यदि आप निसान मैग्नाइट लेने की सोच रहे हो तो आप उसको एक कंसीडर कर सकते हो। तो हम लोग शुरुआत करते हैं वन बाई वन। तो हम लोग सबसे पहले एक्सीडेंट की बात करते हैं। सबसे पहला एक्सीडेंट निसान मैग्नाइट और टाटा जेस्ट का हम लोग आपको दिखाते हैं। यहाँ यह एक्सीडेंट असम से रिपोर्ट हुआ है, जहाँ पर टाटा जेस्ट का ड्राइवर जो ड्रिंक किया हुआ था और 80 से 90 की स्पीड में आता है तेज स्पीड में और निसान मैग्नाइट को हिट कर देता है। एक्चुअली जो निसान मैग्नाइट का ड्राइवर था वो पूरी तरह सचेत था, वो किसी तरह से डैमेज को जो फ्रंट हेड ऑन कोलिजन होने वाला था वो नहीं हो पाया। और उसके सतर्कता की वजह से कोलिजन साइड कोलिजन होता है, लेकिन आप डैमेज देख सकते हो। निसान मैग्नाइट का जो व्हील है वो पूरी तरह बाहर आ जाता है, एक्सल डिटैच हो जाता है, बॉडी में भी काफी ज्यादा डैमेज होता है। लेकिन इस एक्सीडेंट की अच्छी बात ये रही कि साइड इंपैक्ट के बावजूद भी गाड़ी के निसान मैग्नाइट के एयरबैग खुल जाते और किसी भी पैसेंजर को किसी भी तरह की चोट नहीं आती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि टाटा जेस्ट भी 4-स्टार रेटेड कार है और 4-स्टार रेटेड कार का मुकाबला यहाँ 4-स्टार रेटेड कार के साथ हो रहा था। और निसान मैग्नाइट ने अपनी रेटिंग के हिसाब से यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्म किया और अपने सारे पैसेंजर्स को सेफ रखा इतना ज्यादा डैमेज होने के बाद भी गाड़ी में। दूसरे एक्सीडेंट या क्रैश की बात करें तो ये हरियाणा से रिपोर्ट हुआ है। यहाँ पर निसान मैग्नाइट को पीछे से गाड़ी हिट कर देती है और आप देख सकते हो कि गाड़ी में बहुत ज्यादा डैमेज आया है। बम्पर पूरा गाड़ी का पीछे से अलग हो जाता है, इसके अलावा टेल गेट पर भी काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। गाड़ी का पीछे से शीशा पूरी तरह से टूट जाता है और गाड़ी में डैमेज काफी ज्यादा है। लेकिन इस एक्सीडेंट की भी अच्छी बात ये रही है कि इस एक्सीडेंट में भी किसी भी आदमी को किसी भी तरह की चोट नहीं आई है और गाड़ी को बनाने के लिए रिपेयर के लिए सर्विस सेंटर भेजा गया था और गाड़ी ठीक भी हो गई होगी अभी तक। लेकिन इस एक्सीडेंट ने भी प्रूव कर दिया कि निसान मैग्नाइट वास्तव में एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी है और पैसेंजर को सेफ रखने के लिए काफी अच्छी गाड़ी है। हम लोग तीसरे एक्सीडेंट के बारे में बात कर लेते। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके पास भी एक्सीडेंट की कोई फोटो या वीडियो हो तो हमारे साथ हमारी ईमेल आईडी bibuemjblogs@gmail.com पर शेयर करें और हमारे स्लो ड्राइव सेफ ड्राइव कैंपेन का हिस्सा बने, जिसकी टैगलाइन के अनुसार ओवर स्पीडिंग आपको थोड़ी देर के लिए फन तो दे सकती है लेकिन सामने वाले की जान खतरे में डाल सकती है। इसलिए गाड़ी हमेशा लिमिटेड स्पीड में चलाए और अपने साथ साथ दूसरे की भी सेफ्टी का ध्यान रखे। और यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट एक्सीडेंट वाली प्लेलिस्ट को भी जरूर से जरूर चेक कर ले और वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। अब हम लोग तीसरे एक्सीडेंट के बारे में बात करते। ये तीसरा एक्सीडेंट निसान मैग्नाइस एक्सल टर्बो व्हाइट कलर की गाड़ी का है, जो आंध्र प्रदेश से रिपोर्ट हुआ है। और गाड़ी के ओनर ने जैसा बताया कि वो अपनी गाड़ी को लेकर सुबह निकलते और पीछे से आ रही हुई स्टेट आरटीसी बस उनको पीछे से मैग्नाइट को बुरी तरह हिट कर देती है। और हिट करने के बाद आप देख सकते हो कि बैक साइड में जो व्हील में डैमेज हुआ है, व्हील पूरी तरह फट जाता है, उसका टायर फट जाता है और आप देख सकते हो साइड क्लैडिंग भी वहां से जो लगी रहती है वो भी हट जाती है। इसके अलावा जो आपका पेट्रोल टैंक और फ्यूल लिड के पास भी आप इंपैक्ट को साफ रूप से देखा जा सकता है। लेकिन इस एक्सीडेंट की बात भी ये रही कि गाड़ी में बहुत ज्यादा भी डैमेज नहीं होता है बस के हिट करने के बावजूद भी और किसी भी तरह की पैसेंजर को कोई भी चोट नहीं लगती है, पैसेंजर पूरी तरह सेफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी इस एक्सीडेंट में भी निसान मैग्नाइट ने अपनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी को और एशियन एनसीएपी में मिली 4-स्टार रेटिंग को पूरी तरह प्रूव कर दिया है और पैसेंजर को सेफ रखने में ये गाड़ी कारगर होती है। इससे अगले चौथे एक्सीडेंट की बात करें तो वो नई नवेली निसान मैग्नाइट का है। निसान मैग्नाइट के ओनर निसान मैग्नाइट को जैसे ही शोरूम से निकालते हैं, कई बार देखा होता है कि गाड़ी हम लोग एक्साइटमेंट में या गाड़ी को ठीक से नहीं चलाना जानते हो तो गाड़ी को निकालते ही गाड़ी ऊपर से कूद जाती है और सीधा पिलर से जाके टकरा जाती है। पिलर से टकराने के बाद भी गाड़ी में डैमेज तो होता है लेकिन किसी भी तरह की चोट यहाँ पर भी ओनर को नहीं आती है और ओनर पूरी तरह सेफ आ जाते हैं। तो इस एक्सीडेंट के बाद भी ये प्रूफ हो गया कि निसान मैग्नाइट की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। और इस एक्सीडेंट में गाड़ी में डैमेज तो काफी ज्यादा आता है, गाड़ी पूरा पिलर से जाके टकरा जाती है और उसमें डैमेज साफ रूप से देखा भी जा सकता है। लेकिन गाड़ी ने यहाँ पर भी जो गाड़ी चलाने वाले ओनर थे उनको पूरी तरह से सेफ रखा था। इससे अगले एक्सीडेंट की बात किया जाए तो ये भी व्हाइट कलर की निसान मैग्नाइट के एक्सेल वेरिएंट का है। इसमें निसान मैग्नाइट जाकर पोल से भिड़ जाती है। निसान मैग्नाइट के पोल से भिड़ने के बाद आप देख सकते हो कि निसान मैग्नाइट में डैमेज है वो आप देख सकते हो, सामने फ्रंट में काफी ज्यादा डैमेज हुआ है और गाड़ी में डैमेज को साफ रूप से देखा जा सकता है। लेकिन इस एक्सीडेंट में भी अच्छी ये बात रही कि ओनर को किसी भी तरह की चोट नहीं आती है और ओनर पूरी तरह से सेफ रहते हैं और इतना ज्यादा डैमेज होने के बाद भी
ओनर इसमें से पूरी तरह सेफली बाहर निकल जाते हैं और किसी भी तरह का डैमेज उनको नहीं आता है। तो यहाँ पर भी इस एक्सीडेंट में भी निसान मैग्नाइट की बिल्ड क्वालिटी और निसान मैग्नाइट की रेटिंग ने प्रूव कर दिया है कि निसान मैग्नाइट रियलिटी में एक सेफ कार है। इससे अगले एक्सीडेंट की बात की जाए तो वो काफी फेमस एक्सीडेंट है और इस एक्सीडेंट के बाद जो निसान मैग्नाइट के ओनर थे उनको निसान इंडिया की तरफ से 22 लाख का एस्टीमेट दे दिया था गाड़ी के रिपेयर के लिए। इस एक्सीडेंट की बात किया जाए तो ये तो आंध्र प्रदेश में ही रिपोर्ट किया जाता, जहां आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस निसान मैग्नाइट से जाके भिड़ जाती है और इस एक्सीडेंट में ओनर ने खुद आकर सब लोगों को बताया था कि इस एक्सीडेंट के बाद वो पूरी तरह सेफ है और गाड़ी में बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था। आप गाड़ी के फोटो देखने से ही पता चल रहा है कि गाड़ी का जो फ्रंट है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है, गाड़ी में बहुत ज्यादा डैमेज है और गाड़ी को 22 लाख रुपए रिपेयर का एस्टीमेट दिया गया था। और इस एक्सीडेंट में भी निसान मैग्नाइट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और ओनर को पूरी तरह सेफ रखा, ओनर पूरी तरह सेफ आ जाते हैं और उनको किसी भी तरह का कोई डैमेज नहीं होता है और गाड़ी में काफी ज्यादा डैमेज आप देख सकते हो। तो इस एक्सीडेंट में भी प्रूफ हो गया कि निसान मैग्नाइट एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी की कार है और जरूरत पड़ने पे वो अपने पैसेंजर की जान बचा सकती है, क्योंकि गाड़ी में कई बार देखा गया है कि साइड इंपैक्ट के बाद भी एयरबैग खुल जाते हैं। तो बहुत सारी गाड़ी ऐसी होती है जिन पर फ्रंटल इंपैक्ट के बाद भी एयरबैग नहीं खुलते, लेकिन इन सभी क्रैशेस से पता चला है कि बहुत सारे इंसिडेंट हुए जिसमें निसान मैग्नाइट पर साइड में भी इंपैक्ट हुआ और एयरबैग खुल जाते। तो निसान मैग्नाइट वास्तव में एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी की गाड़ी है और एशियन एनसीपी में 4-स्टार रेटिंग लाई है। तो आप यदि नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे थे तो इस गाड़ी को आप कंसीडर कर सकते हैं। और अब मैं अंत में आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यदि हमारी ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारी एक्सीडेंट वाली प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लो। हमने ऐसे ही बहुत सारी एक्सीडेंट की डिटेल आपके साथ शेयर की है जिनको देखने से आप डेफिनेटली जागरूक होगे और हमारे स्लो ड्राइव सेफ ड्राइव कैंपेन का हिस्सा बनोगे। और हमारे साथ वीडियो या आप इमेज आपके पास कोई हो तो शेयर कीजिए, जिससे हम और लोगों के साथ शेयर कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर सके, जिससे लोग गाड़ी को एक लिमिटेड स्पीड में चलाए और एक्सीडेंट में जो लोगों की जान चली जाती है उसको अवॉइड किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में।